वेलकम टू GST अपडेट्स। दोस्तों, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांजिशनल प्रोविजंस ऑन स्टॉक इन हैंड लाइंग एज ऑन 30th June 2017। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 1st जुलाई 2017 से GST एप्लीकेबल है, और अब जो आपके पास स्टॉक है 30th जून का, उसके ऊपर जो सबमर्ज हुए टैक्सेस और जो क्रेडिट्स आपको अलाउड हैं, उनको कैसे आपको आगे ले जाना। हम पहले डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर जो कि रजिस्टर्ड है एक्साइज के अंदर और वैट के अंदर और सर्विस टैक्स के अंदर, तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है आपने, जो भी आपको इन रेलिवेंट लॉज हैं, इनकी जो आपको रिटर्न्स भरनी है वो आपकी सब टाइम से होनी चाहिए और वो आपकी सब रिटर्न्स फाइल्ड होनी चाहिए, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। और जो भी क्रेडिट आपका रेलिवेंट सेक्शंस के अंदर, रेलिवेंट लॉज के अंदर चल रहा है, वो आपको क्रेडिट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, CENVAT अंडर एक्साइज रूल, VAT अंडर रेलिवेंट स्टेट VAT लॉज, और सर्विस टैक्स अंडर सर्विस टैक्स लॉ। तो आपको ये जो CENVAT का क्रेडिट है, ये आपको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कंडीशन में जैसा मैंने अभी आपको जिक्र किया है कि आपकी रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए। और VAT के क्रेडिट को लेने के लिए, लेने में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रेलिवेंट जो फॉर्म्स, सी फॉर्म, एफ फॉर्म, ई फॉर्म, तो रेलिवेंट फॉर्म्स को आपको कलेक्ट करना है, और इसकी डिटेल जाएंगी। और जो भी डिटेल है, ये ट्रांस वन के अंदर आपको विद इन 90 डेज ऑफ द अपॉइंटेड डेट को फाइल करना है। और दोस्तों, जो ट्रांस है, ट्रांस वन फॉर्म है, इसके बारे में हम डिस्कस जब अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करेंगे तो हम आपको ट्रांस वन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रांस वन मस्ट है आपको विद इन 90 डेज। और दोस्तों, जब आपका क्रेडिट किसी रेलिवेंट लॉज में नहीं है आउटस्टैंडिंग, मतलब आप सारा क्रेडिट यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसकी कोई डिटेल देने की आपको जरूरत नहीं है। अब मैन्युफैक्चरर जो कि सिर्फ वैट के अंदर रजिस्टर्ड है, जिन्होंने एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस के अंदर ली हुई थी, जैसे 1.5 करोड़ की एग्जेम्पशन थी टर्नओवर की स्मॉल स्केल में, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए कि जो भी क्रेडिट, जो भी CENVAT क्रेडिट, जो भी एक्साइज ड्यूटी उनकी परचेजेस के अंदर समझ है, तो उसका क्रेडिट उनको मिलेगा आफ्टर प्रोड्यूसिंग दी रेलिवेंट इनवॉइसेस एक्साइज के, और उसका क्रेडिट उनको मिलेगा, और वो आपको ट्रांस वन में एज यूजुअल आपको देना पड़ेगा। अब वैट के केस में, अब ट्रेडर्स के केस में, दोस्तों यहाँ आपको बहुत ध्यान से आपको अपनी पूरी स्टॉक की डिटेल को अभी कंपाइल करना है, क्योंकि अगर आपने कंपाइलेशन नहीं की, तो देखिए वैट, जब आप GST आएंगे तो GST में जो रेट्स हैं वो रेट्स सबमर्ज हुए हैं एक्साइज, कस्टम और कस्टम, आई मीन टू से CVD एंड SAD और VAT के। तो होगा क्या कि जो आपका जो आपके इनवॉइसेस हैं, जो वो सबमर्ज हुए हुए हैं, वो उसमें एक्साइज का और कस्टम का, CVD और SAD का कंपोनेंट्स इंक्लूड है। तो अब आपको, क्योंकि रेट्स 1st जुलाई से जो आपको रेट्स, हायर रेट्स हैं 28%, 18%, 12%, वो हैं अब एप्लीकेबल, तो उसमें आपको जस्टिफिकेशन तभी होगा जब आप पुराना जो स्टॉक पड़ा है उसमें जो टैक्सेस लगे हुए हैं उसको भी आप क्रेडिट किए। तो उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स डिफाइन हो गए हैं, और उन रूल्स के अंदर जब आपका कोई भी इनवॉइस परचेजेस का, और ये देखिएगा, ये जो आपको ये क्रेडिट मिलेगा, ये 12 मंथ से जो आपकी परचेज, जो स्टॉक लाइंग है आपके पास, उसका 12 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, नंबर वन।
आपके पास अगर एक्साइजेबल इनवॉइस है जिसमें एक्साइज अलग से आपको मेंशन है तो उसको आपको 100% क्रेडिट मिलेगा। और अगर आपके पास एक्साइजेबल इनवॉइस नहीं है तो स्पेसिफिक रूल्स जो अभी मॉडिफाई भी हुए हैं जिसमें 60% ऑफ सीजीएसटी, अगर टैक्स का रेट सीजीएसटी का 9% एंड अबव है, यू मीन टू से इन टोटल सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिला के 18% का चल टैक्स के स्लैब है और 18% और 28% के, तो इसका और ये आपको क्रेडिट सीजीएसटी का मिलेगा और सीजीएसटी के अगेंस्ट मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। 60% ऑफ सीजीएसटी और ये सीजीएसटी के अगेंस्ट मिलेगा, और जो वैट में आपको क्रेडिट मिलेगा वो आपको एसजीएसटी के अगेंस्ट मिलेगा, और जो आपको एक्साइज और सैनवेट का क्रेडिट मिलेगा वो आपको सीजीएसटी के अगेंस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आपने। और जो एक जो इंटर स्टेट सप्लाई होगी उसमें आपको आईजीएसटी के क्रेडिट मिलेंगे, तो आईजीएसटी के क्रेडिट के बारे में उन्होंने कहा है कि क्योंकि आईजीएसटी का रेट इज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, वो जहां 18% और उससे ऊपर है जो न्यू रेट्स उसमें 30%, और जो न्यू रेट 30% से 18% से कम है उसमें 20%। दोस्तों एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये क्रेडिट लेंगे तो अगले 6 महीने तक आपको जो रिटर्न भरनी है उसमें ये स्टॉक को आपको विद इन 6 मंथ आपको सेल करना है। जो क्रेडिट आप जो कि क्रेडिट आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं हुए, जो सैनवेट क्रेडिट आपको ट्रांसफर हुए उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है सैनवेट क्रेडिट और वैट क्रेडिट, पर जब आपको इस तरह के क्रेडिट जो कि आपकी इनवॉइस में समर्ज हैं और आप क्रेडिट लेते हैं तो उसमें आपको विद इन 6 मंथ्स उसको क्रेडिट ले सकते हैं। आपको ट्रांस 1 को फाइल करना है और ट्रांस एक और फॉर्म फाइल होगा जिसमें आपको मंथली आपको स्टॉक की पोजीशन बतानी पड़ेगी कि कितना स्टॉक लाइंग है, कितना आपने सेल कर दिया, कितना आपने उसके ऊपर जो आपने ये ट्रांजिशनल प्रोविज़न की वजह से आपको वो क्रेडिट जो कि आपकी इन्वॉइसेस में नहीं था और जो आपने लिया है जो कि 60% 40% और इन द केस ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी के केस में जो 30% और 20% है, इसकी डिटेल क्या है, तो ये आपको पर मंथ को फाइल करनी है। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आपने देखिए जब आप सैनवेट क्रेडिट कैपिटल गुड्स पे लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि 50% अवेल्ड करते हैं सैनवेट क्रेडिट को फर्स्ट ईयर में और बैलेंस 50% सैनवेट क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स अवेल करते हैं सेकेंड ईयर में। तो इसमें आपके सैनवेट रजिस्टर आपके सैनवेट में ये बैलेंस नहीं होता जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको उस जो अवेल नहीं किया आपने उसको आप अवेल कर लेंगे इस ट्रांसफर के फॉर्म के अंदर। सेकंड, अगर आपने स्टॉक कोई इन ट्रांजिट है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटेड डेट तो विद इन 30 डेज आप उसका इनपुट ले लेंगे कि वो स्टॉक आपके पास 30 डेज आ गया है तो उसके ऊपर जो रेलिवेंट इनपुट होगा वो आप ले लेंगे। अब दोस्तों कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि आप पहले टैक्सेबल नहीं थे पर जीएसटी के एप्लीकेबिलिटी के बाद आपकी जो सर्विस आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं सेल सर्विस वो टैक्सेबल हो गई है, तो ऐसे में जो स्टॉक आपके पास होगा उसका क्या करेंगे? तो सेम प्रोविजन है, आपको ट्रांसफर में जाना है, जो भी आपके पास स्टॉक है उसकी डिटेल बनानी है, डिटेल बना के उसको आपने अपलोड करना है ट्रांसफर में और आपको क्रेडिट जितना, क्योंकि देखिए आपको एक क्लियर बात कि आपको जब टैक्स लगाना है 1 जुलाई के बाद तो आपको नए रेट्स पे लगाना है, तो इसमें आपको जब तक क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, तो आपको एक अपने स्टॉक की डिटेल क्वांटिटी डिटेल विद ऑल इनवॉइसेस और आपको पूरा इस पर एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपकी अकाउंट्स टीम को। और इसमें आप क्योंकि देखिए क्रेडिट को लूज करना भी एक लॉस है आपके लिए, तो क्रेडिट को
क्योंकि अगर आप इस वक्त पे इस चीजों पे नहीं ध्यान देंगे तो आप एक क्रेडिट लूज कर देंगे, और क्रेडिट लूज करना और क्रेडिट को विद इन, अभी पहले ये 60 डेज का टाइम था ट्रांस वन का, पर अब उन्होंने ये कहा है कि ट्रांस वन जो आप फाइल कर सकते हो वो आप विद इन 90 डेज कर रहे हैं रिलैक्सेशन। अभी जो रिसेंट में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है कार मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर पर गुड 25,000 से ऊपर है तो वो उसको फुल 100% क्रेडिट, जो कि मैन्युफैक्चरर ट्रांसफर क्रेडिट करेगा तो वो 100% क्रेडिट अलाउ। ये एक बिग रिलीफ थी दोस्तों। अब ये ट्रांस वन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें हम थोड़ा सा ही इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको कॉलम नंबर 1-4 जर्नल है, कॉलम नंबर 5 में अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड इन द रिटर्न्स फाइल अंडर एग्जिस्टिंग लॉज है। इसमें आपको टोटल की आपके कब रिटर्न फाइल किया आपने और बैलेंस क्या आपका कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, जो कि सेनवेट क्रेडिट्स होंगे। उसके बाद स्टैचुरी फॉर्म्स हैं, जो कि स्टैचुरी फॉर्म्स हमने रिसीव किए हैं एप्लीकेबल वैट रेट के, जिसमें सी फॉर्म, ई फॉर्म, एफ फॉर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी पूरी डिटेल आपको, नेम ऑफ इश्यूअर है और आपको जो सी फॉर्म, एफ फॉर्म, एच फॉर्म कलेक्ट हुए हैं। इसमें आपको टोटल जो क्रेडिट है इलेक्ट्रॉनिक, देखिए आप और ऑल जो ऑन द सेम पैन के अंदर जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, सेम पैन के अंदर जो आप इनपुट क्रेडिट को भी ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आगे का कंपोजिशन आगे, क्योंकि आपको जैसे पता है कि सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अब नहीं है, तो ऐसे में आपके अगर क्रेडिट सेनवेट क्रेडिट एक जगह पड़ा है सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन में, और उसके बाद आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर लिए, तो आपको ट्रांसफर करना है अपने क्रेडिट्स को। तो जो भी आपको ट्रांसफर क्रेडिट हो गई, ये फ्रॉम वन पैन टू अनदर पैन होंगे, तो उसकी यहाँ डिटेल देनी है। कैपिटल गुड्स जो है उसकी आपको यहाँ डिटेल देनी है। सिक्स में जो कैपिटल गुड्स आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि आपने पहले अवेल नहीं किया, और अब कॉलम 7 में डिटेल ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 143(3), 4 and 6। इसमें आपको क्या करना है कि जो आपको क्रेडिट को एक्सक्लूडिंग क्रेडिट क्लेम करने हैं, जो सेमी फिनिश्ड और इसमें आपको देखिए ध्यान रखिए HSN कोड वगैरह भी देने हैं। और 9 गुड सेंट टू जॉब वर्कर है, जो आपको अभी हमने डिस्कस किया था कि विद इन वन मंथ आपको आ जाएगा जो जॉब वर्कर को। और इस स्लाइड में पॉइंट नंबर 9 है, जो आपको गुड सेंट टू जॉब वर्कर एंड हैंडलिंग स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल की डिटेल देनी है। कॉलम नंबर 10 में आपको स्टॉक है जो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आप होल्ड कर रहे हैं उसकी डिटेल देनी है। जैसा आपने देखा ट्रांस वन फॉर्म को फिल करना एक अपने आप में एक एक्सरसाइज है, और अगर आप ट्रांस वन के फॉर्म को प्रिंट आउट लेंगे और उसके ऊपर अपनी एक्सरसाइज अभी से शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए ट्रांस वन फॉर्म को आप जितना लेट फाइल करेंगे उतना क्रेडिट आपको लेट मिलेगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले चीज़, क्योंकि देखिए GST में वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व होना है, क्योंकि आपने जैसे जैसे डिफरेंट प्रोविजंस आप देख रहे हैं क्रेडिट्स और टैक्स पेड के बीच में डिफरेंस आ रहा है, जैसे एडवांस पेमेंट ऑफ GST, तो डिफरेंस है कि क्रेडिट तब मिलेगा जब इनवॉइस रेज होगा। तो आपको वर्किंग कैपिटल की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अपने स्टॉक को फाइनल करना है, अपने स्टॉक को फाइनल करके फटाफट ये ट्रांस वन को फाइल करना है, जिससे क्या है कि आपको क्रेडिट अवेलेबल हो। दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। थैंक यू दोस्तों।